हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू क्लास। हमने बात की थी जीडीपी के बारे में पिछले वीडियो में। अब हम बात करेंगे बजट के बारे में। संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसमें बजट के बारे में प्रावधान है। राज्य के बजट की बात करें तो जो अनुच्छेद 202 है उसमें राज्य के बजट का प्रावधान है। तो दोनों आप लोगों को याद रखना है, जब भी आप बजट लिखें तो 112 रुपये का बजट और 202 रुपये का बजट, ठीक है? तो इसी तरह से हमने इसे याद किया था, 112 रुपए और 202 रुपए राज्य का, ठीक है? इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। सरकार की अनुमानित आय और व्यय का ये वितरण जो होता है यही हमारा बजट कहलाता है। और इसे तैयार कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या वित्त मंत्रालय। दोनों सदनों में पेश करने हेतु तो राष्ट्रपति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है कि दोनों सदनों में पेश करने हेतु कौन उत्तरदायी है, तो राष्ट्रपति उत्तरदायी है। आने वाले वर्ष का अनुमान इसमें लगाया जाता है कि कितना व्यय होगा, कितनी आय रहेगी, उसी हिसाब से बजट का निर्माण होता है, ये हम लोग जानते हैं। और चालू वर्ष का अनुमान पिछले वर्ष का जो वास्तविक ब्यौरा होता है वो भी बजट में होता है। बजट सत्र सबसे लंबा कौन सा चला था? पहला बजट था आपका विल्सन द्वारा 1860 में, और उस टाइम पे वॉयसराय कौन थे? वो था कैनिंग। वोट ऑन अकाउंट हर साल ये बजट पेश किया जाता है, और वोट ऑन अकाउंट पेश किया जाता है फरवरी से अप्रैल तक, गवर्नमेंट के खर्चे पूरे करने के लिए, क्योंकि तब तक बजट पास नहीं हो पाता है। और इसके बाद आता है आपका हर साल खर्चे के लिए 1/6 होता है, और सामान्यतः यह 2 माह और अधिकतम यह 6 माह के लिए किया जाता है, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है? ये प्रॉपर बजट नहीं है, वोट ऑन अकाउंट की बात हो रही है। इंटरिम बजट कब लाया जाता है? ये सिर्फ चुनावी साल में लाया जाता है, लोक लुभावनी घोषणाएं नहीं की जा सकती ताकि चुनाव इसमें प्रभावित ना हो। बाकी सभी प्रक्रियाएं सामान्य बजट जैसी होती है। वोट ऑन अकाउंट और अंतिम बजट का ही भाग है। जो वोट ऑन अकाउंट है वो भी क्या होता है? इंटरिम बजट का ही पार्ट होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं बजट के बारे में और महत्वपूर्ण चीजें। सरकार की आय व्यय के प्रबंधन के 3 खातों के माध्यम से होता है। यहाँ पे जो है अनुच्छेद 266 और 67 बजट ढांचे का जो विवरण होता है वो किस में होता है? 266 और 267, 266 एंड 267, ये आप लोगों को याद रखने हैं। तो बजट से रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की धाराएं, ये आपके आर्टिकल्स हैं, उनको आप लोगों को क्या करना है, याद रखनी है। तो 266 और 267, तो अभी तक ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को ये याद रखनी है। संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड जो कि अनुच्छेद 266 एक में है, ठीक है? तो यहाँ पे 266 और 266 एक, आप इस तरह से इसको लिस्ट बना सकते हैं। तो ये बजट से रिलेटेड आप लोगों की क्या है, आर्टिकल्स हैं, आप लोगों को इन्हें याद रखना है। संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां जो ऋण लिया गया और दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज, ये संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां होती हैं, और संचित निधि में इनको काउंट किया जाता है। इसमें से पैसा निकालने हेतु तो संसद द्वारा विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान पारित किया हो, अर्थात इसमें से धन निकालने हेतु तो संसद की अनुमति अनिवार्य है। तो ध्यान रखें, अगर इसमें से जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसमें से अगर निकालना है तो वो क्या करना है आपको, अगर कोई धन निकालना है सरकार को तो उसमें अनुमति अनिवार्य होती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्य में भी लागू है। लोक लेखा खाता या पब्लिक अकाउंट जिसे कहा जाता है, ये अनुच्छेद 266 दो में है। तो एक में हमने देखा कि संचित निधि के बारे में है, दूसरे में क्या है, 266 दो में लोक लेखा खाता पब्लिक अकाउंट होता है। विनिवेश फंड, एनडीआरएफ, मनरेगा फंड, क्लीन इंडिया फंड, राष्ट्रीय लघु बचत फंड और प्रोविडेंट फंड, पोस्टल इंश्योरेंस एंड मनी ऑर्डर एटसेट्रा, ये सभी किस पे आते हैं? लोक लेखा खाता में आते हैं। यह धन सरकार के पास एक प्रकार से बैंक के रूप में जमा रहता है, इनमें से पैसा निकालने हेतु तो संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं है। लोक लेखा फंड जो है उसमें से अनिवार्य नहीं है। आकस्मिक निधि जो कंटिंजेंसी फंड होता है, ये आपका किस में है? 267 में है। आप ये जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको आपको क्या करना है, लिखते हुए चलना है, और एक लिस्ट आप लोगों को याद रखने चाहिए।
आकस्मिक व्यय को पूरा करने हेतु राष्ट्रपति राज्यपाल क्रमशः केंद्र एवं राज्य की अनुमति से धन निकाला जा सकता है। बाद में संसद से अधिकृत होने पर संचित निधि से निकालकर इसमें पुनः डाल दिया जाता है, जो आकस्मिक निधि होती है। तो यहां तक हम लोग बजट के पार्ट वन कर चुके हैं। अब हम पार्ट जो टू होगा बजट का, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि हम इसे अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो आप धीरे धीरे स्टडी करते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।